एक बार फिर मेरे प्यारे दोस्तों का स्वागत है मुकेश मेंदर एजुकेशन पर और मैं महेंद्र सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों भारतीय इतिहास के कुछ विषय इस बुक का प्रथम चैप्टर है यात्रियों के नजरिए ठीक है अध्याय नंबर पांच बोल सकते हैं हम ठीक है नहीं और चार पार्ट तो वैसे भाग वन के अंदर है और भाग 2 है इसके अंदर पहला पार्ट होगा ठीक है ना यात्रियों के नजरिए इस पार्ट के क्या देखेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और ये हमारे क्या है व्हाट्सअप नंबर है अगर आप कक्षा बारह के ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो इन नंबरों को आप हमें जोड़िए और मैं हमें यानी आपको ग्रुप में शामिल कर दूंगा मैं ठीक है तो इन नंबरों को हमें जोड़ना है और मैं आपको ग्रुप में शामिल कर दूंगा ठीक है दोस्तों और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना है और कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा है ठीक है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ठीक ठीक है है जब तक तक तोड़ेंगे नहीं नहीं तब छोड़ेंगे ज़्यादा देर करते तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है लोग यात्रा ही क्यों करते थे दो, दो, देखो देखो दोस्तों लोग यात्रा ही क्यों करते थे मैंने ये प्रश्न देखो अपने पाठ का नाम ही है यात्रियों के नजरिए तो यात्रियों के नजरिए लोग यात्रा ही क्यों करते हैं इसके पीछे रीजन क्या है तो देखो ये पॉइंट आपको नजर आ रहा है जैसे पांच पॉइंट दे रखे हैं कि कार्य के, के तलाश में ठीक है नहीं कार्य के तलाश में और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप है ज्वालामुखी है ठीक है नहीं इस प्रकार से भूस्खलन इस प्रकार से जो हो जाते हैं आपदाएं आ जाती है तो जिसकी वजह से लोग यानी चले जाते हैं यात्राएँ करने के लिए ठीक है तो तीसरा पॉइंट दे देखा जैसे व्यापार के लिए ठीक है सैनिक पुरोहित और तीर्थ यात्रियों के रूप में ठीक है और साहस की भावना से प्रेरित होकर तो ये दोस्तों ये लोग यात्रा क्यों करते हैं अगर इस प्रकार से प्रश्न आ जाए तो आपको इस प्रकार से नोट करना है ठीक है इस, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से नोट करना है और क्वेश्चन नंबर दो आपके सामने नजर आ रहा है कि अलबिरूनी भारत कौन से शताब्दी में आया था ठीक है तो उत्तर है ग्यारहवीं शताब्दी में अब बोर्ड में प्रश्न अलबिरू न पूछकर पूछ लिया जाता था कि इबन बतूता भारत कौन से शताब्दी में आए थे तो अलबिरुन तो ध्यान रखना कि रखनावीं शताब्दी में आए थे, थे तो इबन बी शताब्दी में आए थे।, तो थे, तो तो थे और चौदहवीं शताब्दी के अंदर इब्न बतुता आए थे और फ्रांस जो बर्नियर है ये आए थे सत्रहवीं शताब्दी में ठीक है दोस्तों अब हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीन है कि अलबिरुनी ने जाति व्यवस्था को किस प्रकार बताया ठीक है नहीं अलबिरूनी जो है ये जाति व्यवस्था को इन्होंने किस प्रकार से बताया तो अलबिरूनी का जाति व्यवस्था पर किस प्रकार से मत है अलबिरुनी ने बताया कि जाति व्यवस्था जो है ये केवल भारत में ही नहीं है बल्कि पूरे यानी अनेक देशों के अंदर है फारस में भी है तथा अन्य देशों में भी है ठीक है नी अलबिरूनी कहते हैं कि जाति व्यवस्था केवल भारत में नहीं है बल्कि अनेक देशों में भी है ठीक है नी अलबिरूनी ने बताया कि प्राचीन भारत में चार वर्ग हुआ करते थे जैसे पहला घुड़सवार तथा शासक वर्ग दूसरा भिक्षु तथा पुरोहित वर्ग तीसरा वैज्ञानिक चिकित्सक तथा खगोल शास्त्री वर्ग और चौथा किसान और अन्य शिल्पकार वर्ग यानी अलबिरुन ने जाति व्यवस्था को किस अलबिरुन ने, ने जाति व्यवस्था को किस प्रकार बताया तो ध्यान रखना कि अलबिरुन ने, ने जाति व्यवस्था को बताया कि जाति व्यवस्था जो है भारत में ही नहीं बल्कि वह अन्य देशों के अंदर भी है ठीक है ना और अल्बिरुनिया ने प्राचीन भारत में कितने वर्ग बताई चार वर्ग बताए उनके नाम आपको नजर आ रहे हैं ठीक है तो ये क्वेश्चन आपको नोट करना है इसके बाद क्वेश्चन नंबर चारवा है कि चौथा है कि इबन कैसी कैसा यात्री था ये दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है दो के अंदर कि इब्न बतूता एक कैसा यात्री था तो इब्न बतूता एक हटीला और जिद्दी यात्री था कैसा यात्री था हटीला और जिद्दी यात्रा जिद्दी यात्री था ठीक है क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं कि इब्न बतूता द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए ठीक है नहीं तो पुस्तक का नाम है रिहला अब मैं पूछूं कि अलबरूनी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताओ तो आपको कमेंट में बताना है ठीक है इब्न बतूता द्वारा लिखित पुस्तक का नाम रिहला है और अल बिरूनी की पुस्तक आपको कमेंट में लिखना लिकन, है ठीक है नहीं देखता हूँ कौन वीडियो पूरा देखते हैं तथा कौन पढ़ने मेरे साथ पढ़ने वाले अभी जुट रखे हैं तो आपको बताना है ठीक है इसके बाद दोस्तों देख, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर छठा दे रखा है इबन बतूता के अनुसार भारत में कितने प्रकार की डाक व्यवस्थाएं थी उनके नाम बताइए ठीक है नहीं यानी इबन बतूता बताते हैं कि भारत में कितने प्रकार की डाक व्यवस्थाएं तो भारत में जो है वह दो प्रकार की डाक व्यवस्था है कौन कौन सी हैं तो देख सकते हैं आप जैसे पहली अश्व डाक व्यवस्था और दूसरी है पैदल डाक व्यवस्था तो ये प्रश्न दोस्तों पूछा जा सकता है पूरा अच्छी तरीके से इस, इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है ठीक है नहीं कि दो प्रकार की डाक डाक व्यवस्था है अश्व डाक व्यवस्था है और पैदल डाक व्यवस्था इसके बाद क्वेश्चन नंबर सातों आप देख सकते हैं कि इबन बतूता द्वारा दासो का वर्णन जो है वो किस प्रकार से किया गया इब्न बतूता द्वारा दासों का किस प्रकार वर्णन किया गया है तो आप देख सकते हैं कि इब्न बतूता द्वारा दासों का वर्णन जो है मुझे मालूम है कि आपने नोट्स उतार रखे होंगे तो नोट्स में से उठाए गए हैं तो इब्न बतूता बताता है कि दास बाजारों में सामान्य वस्तुओं की तरह खरीदे और बेचे जाते थे ठीक है नहीं बाजार में जिस प्रकार वस्तुएं बेची जाती हैं उसी प्रकार दास उस समय के अंदर खरीदे और बेचे जाते थे दासों को भेंट भी दिए जाते थे जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान के लिए घोड़े और दास खरीदे और उन्हें भेंट की ठीक है नहीं जब इबन बतूता भारत आया तब उन्होंने दिल्ली के मोहम्मद सुल्तान के लिए क्या किए क्या, क्या क्या इन्होंने भेंट दिए थे उन सुल्तान को घोड़े और दास खरीदे थे ठीक है नहीं दासों को सामान्य घर का, का काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था दास पाल किया भी उठाते थे दास या संगीत और गाने का भी काम करती थी तो ये आप नोट कर सकते हैं ठीक है नहीं कि इबन बतूता द्वारा दासों का वर्णन किस प्रकार से किया गया है तो ये इबन बतूता इस प्रकार से वर्णन करता है कि इबन बतूता कहता है कि दासों का यानी कि वस्तुओं के तरह खरीदे और बेचे जाते थे और दासों को भेंट भी दिए जाते थे और दासिया जो है वो संगीत और गाने का भी काम करती थी ठीक है तो ये ध्यान रखना आपको अच्छे तरीके से इसको नोट भी करना है क्योंकि ये प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाएंगे दोस्तों बोर्ड के अंदर ओके आगे, आगे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आठवा है कि फ्रांसुआ बर्नियर कौन था अब देखो ये प्रश्न भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी पूछा गया है ठीक है ना आगे जो परीक्षा हुई थी बोर्ड परीक्षा उसके अंदर पूछा गया कक्षा बारह के अंदर कि फ्रांस व बर्नियर जो है वो कौन था तो उत्तर होगा कि फ्रांस व बर्नियर जो है ये फ्रांस का रहने वाला था वे एक चिकित्सक ठीक है नहीं राजनीतिक दार्शनिक तथा इतिहासकार था तो इस प्रश्न को अच्छे तरीके से आपको नोट करना है कि फ्रांस व बर्नियर कौन था तो फ्रांस व बर्नियर फ्रांस का रहने वाला था वे एक चिकित्सक और राजनीतिक दार्शनिक तथा इतिहासकार था ओके इस प्रश्न को नोट कर लीजिए तो अब दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर नवा आप देख सकते हैं कि इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा बताओ इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा तो इब्न बतूता मध्य एशिया के रास्ते होकर 1333 में स्थल मार्ग से होकर सिंध पहुंचा कब पहुंचा सिंध सिंध कब पहुंचा दोस्तों इब्न बतूता इब्न बतूता मध्य एशिया के रास्ते होकर 1333 में स्थल मार्ग से होकर सिंध पहुंचा ठीक है तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है तो आपको अच्छी तरीके से नोट करना है देखो क्वेश्चन नंबर नौ तक हो गए हमारे आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दसवा कि बर्नियर के कार्य फ्रांस में कब प्रकाशित हुए ठीक है नहीं, ये बीच में से उठाए गए हैं दोस्तों ठीक है ना आप जब आप पढ़ोगे तो आपको सब मालूम हो जाएगा बीच में से उठा रखे हैं मैंने कि बर्नियर के कार्य जो है वो फ्रांस में कब प्रकाशित हुए तो ध्यान रखना बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670 से इगतर में प्रकाशित हुए ठीक है तो ये एक नंबर के अंदर पूछा जा सकता है तो आपको अच्छे तरीके से नोट करना है इस प्रश्न को ठीक है इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर इसी प्रकार से पूछे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपका आपको यानी पूरा ध्यान रखना है इन, इन प्रश्नों का क्वेश्चन नंबर ग्यारह आप देख सकते हैं कि बर्नियर के ग्रंथ दोस्तों यहाँ पर ये मिस्ट ग्रंथ है ठीक है नहीं बर्नियर के ग्रंथ किसके लिए उल्लेखनीय है तो बर्नियर के जो ग्रंथ है वो आप देख सकते हैं ट्वेल्स देखो, एडिटिंग में यहां पर मिस्टेक इन द मुगल एम्पायर में प्रेक्षण आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा ज्ञान चिंतन के लिए उल्लेखनीय है ठीक है है बर्नियर के ग्रंथ किसके लिए उल्लेखनीय तो दोस्तों ये ध्यान रखना ये वेरसन मुझे लगता है आने ही वाला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बर्नियर के ग्रंथ जो है वो किसके लिए उल्लेखनीय है तो बर्नियर के ग्रंथ ट्स इन द मुगल एम्पायर में प्रेक्षण आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा ज्ञान चिंतन के लिए उल्लेखनीय है तो तो इस प्रश्न को आपको अच्छी तरीके से नोट करना है आगे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर बारह के बर्नियर मुगलकालीन शहरों को क्या कहता है बर्नियर जो है ये मुगलकालीन शहरों को क्या कहता है तो आपका उत्तर होगा शिविर नगर ठीक है बर्नियर मुगलकालीन शहरों को क्या कहता है शिविर नगर तो दोस्तों आज का अपना ये वीडियो था क्वेश्चन नंबर बारह तक देखे थे